Hello friends, you are most welcome to increase your smartness and English speaking skills and with grammar. दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सिंपल सेंटेंसेस को बनाना सिखाया था तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उन सेंटेंसेस के बारे में अगर आपको अपने सुझाव को मना करना होगा कि नहीं भाई मैं वहाँ नहीं जाऊँगा या ये का ये काम नहीं करूँगा तो देखते रहिए हमारा ये वीडियो आज का। दोस्तों हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं फिर मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा बनाने के लिए, आपको उन्हें कम्प्लीट करना है। पहला एग्जाम्पल है आई एम नॉट बैड, मैं बुरा नहीं हूँ। यू आर नॉट क्लेवर, तुम चतुर नहीं हो। वी आर नॉट पुअर, हम लोग निर्दय नहीं है। राम इज नॉट रिच, राम अमीर नहीं है। दे आर नॉट ऑनेस्ट, वे लोग ईमानदार नहीं है। राम एंड रवि आर नॉट रेडी, राम और रवि तैयार नहीं है। द बॉयज आर नॉट वीक, जो लड़के हैं वो कमजोर नहीं है। ही इज नॉट अ थीफ, वह एक चोर नहीं है। यू आर नॉट अ स्टूडेंट, तुम एक छात्र नहीं हो। वी आर नॉट लीडर्स, हम लोग नेता नहीं हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको एक्सरसाइज देने जा रहा हूँ, आपको क्या करना है। दोस्तों डू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मैं आपको हिंदी के कुछ सेंटेंसेस दूंगा, आप इसको एक्सरसाइज के तौर पर मान सकते हैं, फिर आपको उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आपके सामने हिंदी के कुछ सेंटेंसेस, इन्हें लिखिए और इसके बाद हमें नोटबुक पर एक बार आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश पर। उसके बाद आपको इन्हीं सेंटेंसेस को, ये जो जितने भी सारे एक एक्सरसाइज के तौर पर मैं आपको सारे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर दूंगा, उसके बाद आपको पांच बार एक एक्सरसाइज को पांच बार बिना रुके कंटिन्यू बोलना है हिंदी, जैसे आपने हिंदी देखी और उसका इंग्लिश फटाफट बनाते चलना है। ठीक है दोस्तों, आपको पांच बार बोलना है इस एक्सरसाइज के ऊपर। तो पहला सेंटेंस है हिंदी का, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ, हम लोग भूखे नहीं हैं, हम लोग तैयार नहीं हैं, तुम अस्वस्थ नहीं हो, आप मोटे नहीं हैं, आप लोग मेहनती नहीं हैं, वह पागल नहीं है, वह मोटी नहीं है, राम आलसी नहीं है, गीता कुरूप नहीं है, वे लोग अशिक्षित नहीं हैं, बच्चे भूखे नहीं हैं, मेरा भाई बहरा नहीं है, भारतीय किसान धनी नहीं है, मदन और गणेश फुर्तीले नहीं हैं, वह प्रसन्न नहीं है, मैं नौकर नहीं हूँ, हम लोग नेता नहीं हैं, तुम किसान नहीं हो, आप चोर नहीं हैं, आप लोग शिक्षक नहीं हैं, वह नर्स नहीं है, वह छात्र नहीं है, लता डॉक्टर नहीं है, वे लोग अभियंता नहीं है, विजय और मोहन गायक नहीं है, मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं है, मेरे शिक्षकगण नेता नहीं है। तो दोस्तों इनको ट्रांसलेट करिए, उसके बाद कुछ आंसर्स देखते हैं। दोस्तों ये है आपके सामने आंसर्स, इनको मिलाइए। तो पहला सेंटेंस था हमारा हिंदी का, मैं दुखी नहीं हूँ, तो इसका ट्रांसलेट होगा आई एम नॉट सैड, मैं डरपोक नहीं हूँ, आई एम नॉट टिमिड, हम लोग भूखे नहीं हैं, वी आर नॉट हंग्री, हम लोग तैयार नहीं हैं, वी आर नॉट रेडी, तुम अस्वस्थ नहीं हो, यू आर नॉट अनहेल्दी, या फिर बोल सकते हैं यू आर नॉट अनवेल, आप मोटे नहीं हैं, दोनों का अर्थ होता है अस्वस्थ, आप मोटे नहीं हैं, यू आर नॉट फैट, आप लोग मेहनती नहीं हैं, यू आर नॉट लेबोरियस, वह पागल नहीं है, ही इज नॉट मैड, वह मोटी नहीं है, शी इज नॉट फैट, राम आलसी नहीं है, राम इज नॉट लेजी, गीता कुरूप नहीं है, गीता इज नॉट अगली, वे लोग अशिक्षित नहीं है, दे आर नॉट अनएजुकेटेड, बच्चे भूखे नहीं हैं, चिल्ड्रन आर नॉट हंग्री, मेरा भाई बहरा नहीं है, माय ब्रदर इज नॉट डीफ, DEEF, इट मींस बहरा, भारतीय किसान धनी नहीं है, इंडियन फार्मर्स आर नॉट रिच, मदन और गणेश फुर्तीले नहीं है, मदन एंड गणेश आर नॉट एक्टिव, वह प्रसन्न नहीं है, अगर स्त्री के लिए बोले तो शी इज नॉट हैप्पी, अगर पुरुष के लिए बोले तो ही इज नॉट हैप्पी, मैं नौकर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ सर्वेंट, हम लोग नेता नहीं हैं, वी आर नॉट लीडर्स, तुम किसान नहीं हो, यू आर नॉट अ फार्मर, आप चोर नहीं हैं, यू आर नॉट अ थीफ, आप लोग शिक्षक नहीं हैं, यू आर नॉट अ, आप लोग यहाँ पर दोस्तों आप लोग का है तो एक से ज़्यादा लोग हैं तो इसलिए यू आर नॉट टीचर्स, वह नर्स नहीं है, सी इज नॉट अ नर्स, वह छात्र नहीं है, ही इज नॉट अ स्टूडेंट, लता डॉक्टर नहीं है, लता इज नॉट अ डॉक्टर, वे लोग अभियंता नहीं है, दे आर नॉट इंजीनियर्स, विजय और मोहन गायक नहीं है, तो विजय एंड मोहन आर नॉट सिंगर्स, मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं है, माय फादर इज नॉट अ डॉक्टर, मेरे शिक्षक नेता नहीं है, इट मींस माय टीचर्स आर नॉट लीडर्स। तो दोस्तों अपने आंसर्स को इससे चेक कीजिए और मिलाइए। हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज वोकैबुलरी, दोस्तों आज के वर्ड मीनिंग क्या है ये इन पर भी आपको गौर करना जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में ये सभी वोकैबुलरी आपको सेंटेंस से, हिंदी सेंटेंसेस से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने में आपको हेल्प करेंगे। तो इनका मतलब क्यों ना जाना जाए, क्यों नहीं जान लिया जाए इनका मतलब। दोस्तों पहला आता है सैड, सैड का मतलब दुखी, हंगरी का मतलब होता है भूखा, अनहेल्दी का मतलब होता है
अस्वस्थ फैट का मतलब होता है मोटा आइटम। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई आपको प्रॉब्लम आई हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों अगर मैं कोई नेक्स्ट लेक्चर बनाता हूँ तो आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। दोस्तों फ्रेंड्स, कीप अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग एंड इंक्रीज योर स्मार्टनेस। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।